Hello everybody, in this video I'll be dealing from section 26 of CRPC as I've already dealt till section 25. So in this video I'll be starting from section 26. So what section 26 states is that court जहाँ पे offences tribal हैं, इसमें कहा जा रहा है कि सारे offence जो हैं वो high court, court of session या कोई भी court जहाँ पे offence जाएगा वहाँ पे tribal है. लेकिन अगर rape वेप से related offence है तब वो कहाँ पे जाएगा, वैसे court में जो कि women के लिए presided होगा. Then section 27 जो है वो बात करता है jurisdiction in the case of juveniles. इसमें क्या है, basically अगर juveniles से related कोई case है, अगर कोई वैसा केस है जो किसी अंडर 16 इयर्स ऑफ एज के इंसान ने किया है, मतलब किसी बच्चे ने किया है बिलो 16 इयर्स ऑफ एज, जहाँ पे उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, तब हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे या जो वैसे कोर्ट में जाएंगे जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंडर, जो स्पेशली एम्पावर्ड है वहाँ पे उन बच्चों को ट्रीट करने के लिए, उनका रिहैबिलिटेशन देने के लिए, रिहैबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स के लिए जो स्पेशली एम्पावर्ड है जो कोर्ट, वहाँ पे जाएंगे. फिर सेक्शन 28 क्या बोलता है कि कौन सी सेंटेंस जो है हाई कोर्ट के जज दे सकते हैं. इसमें कहता है कि हाई कोर्ट, द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाई लॉ, मतलब कोई भी सेंटेंस जो लॉ ने ऑथराइज किया है वो पास कर सकते हैं. फिर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज वो कौन सा दे सकते हैं. इन्होंने कहा कि एडिशनल सेशन जज और सेशन जज भी हर टाइप के इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, बट डेथ के केस में, डेथ के सेंटेंस ऑफ डेथ के केस में उनको कन्फर्मेशन लेना पड़ता है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट के कन्फर्मेशन के बाद दे कैन गिव दैट पनिशमेंट. देन असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज जो है वो दे सकते हैं एक्सीड 10 ईयर्स तक पनिशमेंट दे सकते हैं. देन सेक्शन 29 टॉक्स अबाउट सेंटेंसेज विच मजिस्ट्रेट कैन गिव. पहले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो बेसिकली 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं. फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास वो दे सकते हैं 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन आपके 10,000 रुपीज़ तक का एक्सीड कर सकते हैं, या दोनों. और कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास वो दे सकते हैं आपका 1 साल का इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो है वो मैक्सिमम 5,000 या बोथ. फिर सेक्शन 30 बात करता है कि सेंटेंसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन. लाइक सपोज कि अगर किसी को पनिशमेंट मिला है 5 ईयर्स पनिशमेंट प्लस 10,000 रुपीज़, इन केस आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, तब हम लोग क्या करते हैं, इन्हांस्ड पनिशमेंट देते हैं उस ऑफेंडर को, हम लोग इन्हांस्ड पनिशमेंट देते हैं. तो इन्हांस्ड पनिशमेंट हम लोग कैसे देते हैं, इसमें रूल है, इसमें सीआरपीसी का भी रूल है एंड हम लोग का आईपीसी का भी रूल है. आईपीसी का यहाँ पे सेक्शन 65 आता है और हम लोग का सीआरपीसी का भी रूल है. सीआरपीसी के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मजिस्ट्रेट के 1/4 पनिशमेंट, जिस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में वो गया है, जो ऑफेंडर का केस जिस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में गया है उसका 1/4 पनिशमेंट. लाइक सपोज हम लोग गए हैं अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पनिशमेंट कितना होता है, मैक्सिमम 7 ईयर्स का, तो 7 ईयर्स का 1/4, तो मान लो 5 साल का पनिशमेंट था और कुछ फाइन था, जो फाइन वो इंसान नहीं दे पाया, तो 5 + 7 का 1/4 वो ऐड करके, ऐड ऑन करके दैट पनिशमेंट वुड बी गिवन. ये कहता है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग. और आईपीसी के सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, जो आपका सब्सटेंटिव पार्ट है, जो पनिशमेंट है, जो पनिशमेंट पार्ट है, लाइक 5 ईयर्स पनिशमेंट पार्ट है, तो उसका 1/4 हम लोग देंगे. तो प्रिवेल कौन सा करता है, जो पनिशमेंट कम है वो प्रिवेल करता है. हम लोग हमेशा बेनिफिट देखते हैं किसका, हम लोग एक्यूज्ड का बेनिफिट देखते हैं, जिसको हम लोग पनिशमेंट दे रहे हैं उसके बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं, जिसको पनिशमेंट कम देना है उसको हम लोग, जिसका पनिशमेंट कम है सीआरपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर कम पनिशमेंट है, या आईपीसी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कम पनिशमेंट है, तो वो पनिशमेंट मिलता है. तो बेसिकली सीआरपीसी और आईपीसी में अगर डिफरेंस आएगा तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि मजिस्ट्रेट के पनिशमेंट का 1/4, आईपीसी में क्या हो गया, जो सब्सटेंटिव पार्ट है, जितना इम्प्रिजनमेंट दिया जा रहा है, इम्प्रिजनमेंट का जो पार्ट है उसका 1/4, अगर 5 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट दिया गया तो 1/4 वो आईपीसी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रिवेल क्या करता है, जो आपका कम पनिशमेंट है हम लोग बेनिफिट देते हैं यहाँ पे एक्यूज्ड को, और जो आपका पहले से पनिशमेंट था और जो इन्हांस पनिशमेंट है हम लोग उसको ऐड करके देंगे. लाइक सपोज अगर केस गया
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का कितना होता है पनिशमेंट मैक्सिमम 3 साल, ठीक है, तो 3 ईयर्स का 1/4 कर देंगे, तो जो पहले से पनिशमेंट था इम्प्रिजनमेंट प्लस 3/4 उतना कर देंगे, इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर यहाँ पे हम लोग फाइन नहीं दे पा रहे किसी वजह से अक्यूज जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, और हम लोग आईपीसी का भी देखेंगे, अगर जो पनिशमेंट थी आपकी 2 साल की, 2 साल का 1/4 देख लेंगे, मतलब जो कम पनिशमेंट, हम लोग कोशिश करेंगे मिनिमम पनिशमेंट देने का अक्यूज को। देन सेक्शन 30 जो है इट बेसिकली टॉक्स अबाउट सेक्शन 30 वी हैव ऑलरेडी रीड इन सेक्शन 31 बात करता है जॉइंडर की, मतलब कि जो हम लोग सेवरल ऑफेंसेस को ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी ज्वाइन सेवरल ऑफेंसेस, ये बात करता है कि अगर किसी एक्यूज ने बहुत सारा ऑफेंस एक साथ किया, इसको हम लोग कहते हैं जॉइंडर ऑफ ट्रायल, अगर पर्सन ने बहुत सारा क्राइम एक साथ कर दिया, बहुत सारा ऑफेंस एक साथ कर दिया, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं उसके सारे ऑफेंस को एक साथ एड ऑन करके उसको हम लोग पनिशमेंट देते हैं, तो इसमें कुछ कुछ कंडीशन, आप कितना पनिशमेंट दे सकते हो मैक्सिमम, कितने किस लिमिट तक एक्सीड नहीं कर सकता है, यहाँ पे कह रहा है जब भी आप जॉइंडर कर रहे हो ट्रायल का, तो जिस मजिस्ट्रेट में जिस कोर्ट में गया है उसका जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके डबल को एक्सीड ना करें, सपोज वो असिस्टेंट सेशन जज के पास गया, तो असिस्टेंट सेशन जज का पनिशमेंट देने का कितना 10 ईयर्स, तो वो 20 ईयर्स एक्सीड ना करें, ये एक प्रोवाइज़ है। फिर दूसरा कहता है कि कितना भी हम लोग इनहैंस पनिशमेंट दे रहे हैं वो 14 ईयर्स को एक्सटेंड ना करें, मतलब यहाँ पे कि जिस कोर्ट में जा रहा है उसका ट्वाइस एक्सीड ना करें और 14 ईयर्स को भी एक्सीड ना करें, यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये मैं बेयर एक्ट, आई रीड द बेयर एक्ट एंड आई एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन बिकॉज दैट वुड बी अ बिट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कॉन्ट्रडिक्टरी बातें लगेंगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कभी भी जॉइंडर हो रहा है किसी के ट्रायल का, अगर किसी ने सेवरल ऑफेंसेस साथ में किया, तो कंबाइंड पनिशमेंट जो है वो 14 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और जो कंबाइंड पनिशमेंट है वो मजिस्ट्रेट के डबल पनिशमेंट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, लाइक सपोज अगर मजिस्ट्रेट का पास 3 ईयर्स है तो वो 6 ईयर्स से एक्सीड नहीं करना चाहेगी, और वो कभी भी किसी भी केस में 14 ईयर्स से एक्सीड ना करे। तो यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 कि कभी भी पर्सन अगर कन्विक्टेड हुआ है और उसने एक साथ दो बहुत सारे ऑफेंसेस कर लिए हैं, यहाँ पे सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी का लिया गया है कि अगर पर्सन कन्विक्टेड है और एक से ज़्यादा चार्जेस के लिए, लाइक सपोज ने डिकोइटी भी कर दिया, उसने चीटिंग भी किया है, उसने बहुत सारा चीज़ किया, उसने फॉर्जरी किया, डिकोइटी किया, चीटिंग किया, अगर उसको हम लोग इनहैंस पनिशमेंट दे रहे हैं तो क्या इसमें कंडीशन है, तो यहाँ पे पहले कोर्ट डायरेक्ट करेगा कि हाँ कॉन्क्रेंटली सारा नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोर्ट डिसाइड करा है कि नहीं ये सारे पनिशमेंट जो कॉन्क्रेंटली डील होंगे, और अगर जब भी हम लोग अगर यहाँ पे नेसेसरी है कि हम लोग सबको एग्रीगेट पनिशमेंट दें, सब मिला करके सारा पनिशमेंट दें, तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी केस में पनिशमेंट जो है मजिस्ट्रेट के डबल पनिशमेंट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, और कभी भी पनिशमेंट जो है 14 ईयर्स से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, लाइक सपोज वहाँ पे असिस्टेंट सेशन जज का क्या है 10 ईयर्स, तो यहाँ पे हम लोग अगर उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो 20 ईयर्स से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, बट फर्स्ट प्रोवाइजो में है कि 14 ईयर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए, पहले हम लोग प्रेफरेंस देंगे कि 14 ईयर्स से एक्सीड ना करें, और कि अगर मान लो कि अगर अपील जा रहा है कन्विक्टेड पर्सन का, तो जो भी एग्रीगेट आपका पूरा कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस का है सबका एक सिंगल सेंटेंस बना करके ही अपील जाएगा, कह रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ अपील बाय कन्विक्टेड पर्सन, अगर कभी भी कन्विक्टेड पर्सन कभी भी अपील कर रहा है तो एग्रीगेट जो भी उसके कंसेक्यूटिव पनिशमेंट थे सबका एग्रीगेट जो भी पास हुआ है अंडर दिस सेक्शन वो एक सिंगल सेंटेंस बन के अपील जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग जॉइंडर ऑफ ट्रायल की बात कर रहे हैं, अगर कभी भी किसी भी एक्यूज ने दो तीन ऑफेंस साथ में कर दी है, उनको अगर कोर्ट को लग रहा है कि मुझे साथ में डील करना चाहिए, सारे ट्रायल को ज्वाइन करते हैं, तो कैसे पनिशमेंट देते हैं, कभी भी जिस कोर्ट में वो ट्राई हो रहा है उसके पनिशमेंट के डबल को एक्सीड नहीं करेंगे, 14 ईयर को एक्सीड नहीं करेंगे, अगर अपील हो रहा है तो वो जितने भी एग्रीगेट पनिशमेंट है उसको एक सिंगल सेंटेंस के तरह ट्रीट किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक share and do subscribe my channel, and if you have any queries please comment in the comment section below. Thank you.